कोरिया में फिर लगेगी पानी में आग। और एक लौंडा भाई, एक लौंडा कह रहा है कि भाई मैं ना मेकअप करके दिखाता हूँ, माँ कह रही है भाई बेटी मुझसे नहीं होगा डांस, मुझसे नहीं होगा, और माँ के साथ ऐसा कर रही है डांस सारी में। ऐसे कौन डांस करता भाई इंडिया में, ऐसे ऐसे कौन डांस करता भाई, कोई नहीं करता भाई। मतलब इट डजंट मीन कि आपने सारी पहन ली तो आप मतलब जो भी आप करोगे इंडियन डांस ही होगा। नमस्कार गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस आपने फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे देखा है आजकल को ना बहुत सारी रील्स चल रही हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स चल रहे हैं जिसमें ना मतलब फॉरेन के लड़के या लड़कियां ना इंडियन साड़ी या फिर कुर्ता पहन के ना अजीब सा भद्दे भद्दे डांस करते हैं, इंडियन डांस ऐसे करके ना, मतलब वो ऐसा मतलब फुल मिलियन व्यूज आ रहे हैं उनके। मतलब मैंने बहुत टाइम पहले ना एक लड़की देखी थी, वो खाना बनानी थी और वो ऐसे 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 डांस कर रही थी साड़ी पहन के, तो स्टार्टिंग में तो क्यूट सा लगता है, वो कितना क्यूट लग रहा है ना साड़ी पहन के फॉरनर इंडियन डांस कर रही है, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है वाओ वाओ वाओ। उसके बाद तो भाई हर सेकंड में डांस उसका मतलब डांस ही रोके, और ऐसे कौन डांस करता भाई इंडिया में, ऐसे ऐसे कौन डांस करता भाई, कोई नहीं करता भाई। मतलब इट डजंट मीन कि आपने साड़ी पहन ली तो आप मतलब जो भी आप करोगे इंडियन डांस ही होगा। फिर मैंने एक लड़की देखी, वो अपनी माँ को डांस करवा रही है भाई, वो मतलब अलग ही हो रही है भाई, वो उसी माँ कह रही है भाई बेटी मुझसे नहीं होगा डांस, मुझसे नहीं होगा, और माँ के साथ ऐसा ऐसा कर रही है डांस सारी में। ओ भाई उसके व्यूज आ रहे हैं भाई मिलियन में, जितने मेरे मतलब व्यूज आते हैं ना उससे ज्यादा तो उसके लाइक्स चल रहे हैं। एंड आई एम लाइक कि अब मैं भी खाना बनाते हुए ऐसे ऐसे करूँ क्या जिससे मेरे को व्यूज आए। भाई कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, अब के डांस करूँ सब्सक्राइब को आने के लिए। गाइस मेरी बात सुनो, मैं भी ना अभी एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा नया, वो भी कोरियंस के लिए, उसमें ना फुल ऑन दिखाऊंगा कि हाँ भाई हम भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हर चीज़ में ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे भी तनोदन में आग लग रही है, हम भी ना पानी में आग लगा सकते हैं। बट मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास उस लेवल का कंटेंट है नहीं, तो ना अभी मैं कुछ पुरानी वीडियोज डाल दे रहा हूँ उसमें, उसको आप देखो सब्सक्राइब करो, और अभी मुझे चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स ना वॉच टाइम, ताकि यूट्यूब जो है हमको प्रमोट करे कोरिया में। कोरिया में फिर लगेगी पानी में आग। True story guys, don't forget to subscribe that channel also and मुझे Instagram पे follow कर लो, क्योंकि ऐसे वाला जो डांस होगा ना अब Instagram पे होगा। और मैं पहले कह रहा था ये वीडियो ना मजाक में चल रहा है, मतलब ये ना मत हो ना कि हाँ भाई मेरी दीदी को ऐसे बोल रहा है, मेरी होने वाली बीवी को ऐसे बोल रहा है, या फिर मेरे होने वाले पति को ऐसे बोल रहा है, भाई ऐसे मत करना प्लीज ये बात। भाई मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने Instagram YouTube देखना ना छोड़ ही दिया, क्योंकि इसी वजह से मतलब मैंने एक वीडियो देख ली, अब ये लोग ना मुझे और दिखाते हैं कि हाँ और देख मतलब वो साड़ी पहन के मतलब वो अलग ही तांडव कर रही, भाई तांडव होता लिटरली, इंडियन तांडव नहीं है वो, कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे माता आ गई। अरे भाई क्या पागल हो क्या भाई, हम इंडियन ऐसे डांस नहीं करते हैं भाई, अरे कोई तो बता दो इनको यार सीरियसली। अगर मैं कोरिया की बात करता हूँ, कोरिया में इंडियन डांस का मतलब है तुनक तुनक तुम भाई, यही चलता है बस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एंड मेरे हिसाब से ना ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके का ना स्टीरियोटाइप है, मतलब हम क्या ही बोलेंगे, हम हंस देंगे उन्नी कितना अच्छा डांस कर रही हैं, या फिर लड़का सोचेगा अपनी माँ को मैं इसी तरह की बहू देता, संस्कारी बहू देता, तो लाइफ सेट हो जाती। बट भाई इमेजिन ऐसे हम क्या हर टाइम खाना बनाते हुए डांस कर रहे होते हैं क्या, या फिर खाना खाते हुए डांस कर रहे होते हैं, मतलब मातम में हम डांस कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता ना यार। मैं बहुत टाइम से मैं भी रील बनाने की सोचा कि भाई हम ऐसे नहीं करते हर टाइम, लेकिन क्या करें वीडियो डाल दे रहा हूँ मैं भाई, मतलब आज अभी भी देखा वो एक बंदी, कोरियन बंदी आपको पता होगा शायद, वो अपनी माँ के साथ, माँ को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, माँ कह रही है बेटी क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही है, बट बेटी कह रही है मम्मी डांस करो सारी पहन के। अब इमेजिन अगर मैं भी मतलब कोरिया में हर जगह ना ऐसे ऐसे डांस कर रहा हूँ, रील डाल रहा हूँ, तो भाई मेरे को भी मिलियन व्यूज आएंगे क्या भाई, मुझे नहीं लगता मेरे को आएंगे। ये सारा सीन बताओ क्या है, फॉरनर्स जो इंडियन कपड़े पहन के जो करते ना उसका सीन है मेरे हिसाब से। बट अगर मैं फॉरनर हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करूँ ना तो कहेंगे भाई क्या पागल हो गया क्या लौंडा कोने से ये बोलेंगे भाई लौंडा पागल हो गया ये। एनीवेज इस वीडियो को देख के जो भी सीरियस हो रहा है भाई, इस पर सीरियस मत हो, ये हंसी मजाक वाला वीडियो है, इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, और जो सीरियस हो रहे हो भाई तुम ऐसे ऐसे डांस कर लो तुम ना फिर थोड़े लाइट हो जाओगे। बट हाँ टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बार बार देखोगे ना एक ही चीज़ कि हाँ भाई वहाँ मातम बन रहा है, यहाँ डांस चल रहा है, यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे डांस चल रहा है, तो अजीब सा लगता है। और तुमको डांस ही करना है तो भाई थोड़ा सा भरतनाट्यम करो, क्लासिकल करो इंडियन, ये क्या होता है बे, ये कौन सा इंडियन डांस है, ये इंडियन डांस नहीं है भाई, मतलब इनके भद्दे डांस में जो इंडियन डांस है भी नहीं उसमें व्यूज पे व्यूज आ रहे हैं, और भाई मैं जो हूँ भाई मैं लौंडा भाई पागल हो रखा हूँ कि भाई ऐसा मत करो ये मत करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मेरे को व्यूज ही नहीं आ रहे। अब कल से देखना मैं रील बनाऊंगा डांस करते हुए, अलग ही डांस होगा। सीरियसली मैन दिस इज फनी। ऑफकोर्स मैं उन लोगों को दिखाना चाहता फालतू में क्यों मतलब लड़ाई करो उन लोगों से, बट द थिंग इज
अब समझ रहे हो ना मैं किन किन, मतलब ऑफकोर्स कुछ ही लोग हैं ऐसे, उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है उनका। और एक लौंडा भाई, एक लौंडा कह रहा है कि भाई मैं ना मेकअप करके दिखाता हूँ, कितना जबरदस्त लगता हूँ मैं। अरे भाई उसपे मिलियन व्यूज है भाई, मिलियन ट्रिलियन व्यूज, गजब की वो भाई, गजब की लिया भाई। एंड अगर कुछ लोग जो इमेजिन कर सकते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ समझ सकते हैं, वो सीरियसली मतलब वो दे विल रियलाइज कि हाँ भाई यार ये बंदा सही बोल रहा है। सो गाइज, मैंने ऐसे बकैती के दो चार फार्म भरे, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।